मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में 63 स्थानीय संस्थाओं के चुनाव की घोषणा। लोकसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने राज्य के सभी स्थानीय संस्थाओं के लिए चुनाव की घोषणा की है। कल इसकी जानकारी देते हुए प्रेस मीट में चुनाव आयोग के कमिश्नर श्रीनिवास चारी ने बताया कि 8 नगर सभा, 33 पूर्व सभा, 22 टाउन पंचायत के लिए 29 मई को मतदान होगा। मैं 16 को नामांकन पत्र भरने की और मैं 20 नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख होगी। 31 को गिनती के साथ ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी। कल से ही नीति संहिता लागू की गई है। नगर सभा के लिए 2 लाख, पूर्व सभा के लिए 1.5 लाख और टाउन पंचायत के लिए 1 लाख रुपये चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। कुल 1646 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें 14,74,000 मतदार मतदान करेंगे। 8,230 अधिकारियों को नियोजित किया गया है और 1997 EVM और कंट्रोल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रामनगर, कोडगू, बेलगाम और गुलबरगा में संस्थाओं से जुड़े मामले कोर्ट में पेंडिंग होने के कारण यहां चुनाव नहीं होंगे। इसी मौके पर 8 तालुका पंचायत के खाली स्थान और ग्राम पंचायत के 202 सदस्यों के लिए उपचुनाव होने की बात बताई कमिश्नर श्रीनिवास चारी ने। प्रत्येक लिंगायत धर्म, नकली लेटर मामला FIR पर रोक। पिछले दिनों BLDE संस्था का नकली लेटर फेसबुक पर अपलोड करके भड़का बयान देने वाली श्रुति बल्लक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो अब जमानत पर रिहा हुई है। इस मामले में अब धारवाड़ हाईकोर्ट बेंच ने FIR पर रोक लगाकर मामले को 15 मई तक टाल दिया है। BJP के साथ कोई भी बैटिंग के लिए तैयार नहीं है, गोविंद कारजोल। बीजापुर के शिव शरण निम्बेका मंगल कार्यालय में आयोजित अवलोकन सभा में बात करते हुए विधायक कारजोल ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में BJP को राज्य में 20 और देश के कुल 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। इस पर बैट लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर गठबंधन नायक सामने नहीं आ रहे हैं। कम से कम 1 रुपये की शर्त के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ तो मैंने सियासत से संन्यास लेने की सलाह दी है। कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। राहुल गांधी एक जोकर की तरह सुलूक कर रहे हैं। मई 23 के बाद गठबंधन में 3 टुकड़े होंगे, कांग्रेस JDS अलग होगी ही, मगर इन दोनों पक्षों से भी कई नायक BJP में शामिल होंगे। साझा सरकार का पतन होगा, BJP सत्ता में आएगी। नतीजों से पहले ही गठबंधन में अंदरूनी झड़प शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार अभिवृद्धि के कामों की अनदेखी कर रही है, कहा गोविंद कारजोल ने। स्वर्ण त्रिभुज बोट का मलबा मिलने की खबर। पिछले दिनों 15 दिसंबर को उड़पी के मालपे बंदरगाह से मछली का शिकार करने स्वर्ण त्रिभुज बोट में निकले 7 मछुआरे लापता हो गए थे, जिनका अब तक पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि नौका दल सिब्बंदी ने ट्विटर पर महाराष्ट्र के अरबी समुद्र में 60 मीटर की गहराई पर इस बोट का मलबा मिलने की जानकारी दी है, जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। बेंगलुरु में रउडी शीटर की हत्या, बीवी और देवर पुलिस की हिरासत में। बेंगलुरु अड़ुगोड़े LR नगर में कल रात ये घटना घटी है, जिसमें रउडी शीटर इडविन उर्फ अलेक्जेंडर का चाकू से हमला करके कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है कि 2016 से ही रउडी चेन्नई शिफ्ट हुआ था। LR नगर में स्थित अपनी पत्नी को भी चेन्नई चलने के लिए जोर दे रहा था। इसी मामले को लेकर हुए झगड़े में चाकू किसने मारा, इसकी जाँच के लिए अड़ुगोड़े पुलिस ने रउडी की बीवी और देवर को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। प्याजियो पलटी, एक व्यक्ति की मौत। यह हादसा सिंधगी तालुका के बगलूर में पेश आया है। शिवप्पा तमगोंड इसी वाहन में मुरडगी से बगलूर जा रहे थे कि एक अचानक प्याजियो पलटी हो जाने से बुरी तरह से घायल शिवप्पा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई है। मामला सिंधगी पुलिस थाने में हुआ है दाखिल।
मुलवाड़ नेरावरी योजना किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन। मुलवाड़ नेरावरी योजना का काम शुरू करके कैनल्स में पानी बहाने के मांग को लेकर बीजापुर जिला कर्नाटक रहित संघ और मठाधीशों की ओर से बागेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट तक रेल रोककर धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले 1.5 साल से काम ठप पड़ गया है। तेलगी के पास करीब 60 मीटर का काम बाकी है जहां रेल की पटरियां हैं, जिसके कारण रेल विभाग वाले विरोध कर रहे हैं। कुल 130 किलोमीटर कैनल में पानी बहेगा तो 50 से ज्यादा तालाब भर जाएंगे, जिससे बीजापुर बागेवाड़ी देवर हिप्परगी सहित सिंधगी के किसानों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी। जल्द से जल्द काम शुरू करने का आग्रह करते हुए करपटनाल, बागेवाड़ी और आलमेल के मठाधीश, राज्य रहित संघ के प्रधान कार्यदर्शी सहित सैकड़ों किसानों ने इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तुमकुरु में जुए के अड्डे पर छापा, 4 व्यक्ति गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले निलंबित। 2 दिन पहले ही तुमकुरु जिले के पावगढ़ में जुआ खेल रहे लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी कृष्णवंशी ने छापामारी करके गंगाधर स्वामी नामक व्यक्ति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करके इनसे करीब 12,000 से ज्यादा रुपया जब्त कर लिया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि इन लोगों में शामिल होने के आरोप पर शैलापुर बीट पुलिस मंजुनाथ और एसपी कांस्टेबल उमेश को निलंबित करने की बात बताई एसपी साहब ने। नशे की हालत में भाई का कत्ल, व्यक्ति गिरफ्तार। मैसूर के आर नगर के आंजनेया ब्लॉक में यह घटना घटी है। छोटे भाई विजी ने सोए हुए बड़े भाई 35 साला रवि के सर पर पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। के आर नगर पुलिस ने आरोपी विजी को हिरासत में लिया है। वेटरनरी अस्पताल के पास व्यक्ति की लाश बरामद, आत्महत्या की शंका। बीजापुर जिला इंडी तालुका के तांबा ग्राम के वेटरनरी अस्पताल के सामने एक अधेड़ उम्र व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी पहचान गोरनाल ग्राम के हनुमंतप्पा चिंचोली के तौर पर हुई है। जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने की शंका जताई जा रही है। मामला इंडी पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। शादी के लिए विरोध, युवा प्रेमियों ने की आत्महत्या। गुलबर्गा जिला अड़न तालुका के कमला नगर ग्राम में यह घटना घटी है। दोनों का धर्म अलग होने पर दोनों के पोषकों ने जब शादी से इनकार किया तो युवा प्रेमियों ने प्यार किसी धर्म का मोहताज नहीं होता ये साबित करते हुए एक भयानक फैसला लेकर 17 साल भाग्यश्री और 19 साल दस्तगीर सिराज मियां ने अपनी जिंदगियां मिटाकर मौत में भी एक हुए प्रेमी। मामला नरोना पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। एसएसएलसी बोर्ड की बड़ी गलती, 35 विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर, रिजल्ट अब तक नहीं आया। बागलकोट के सरकारी आदर्श महाविद्यालय में कुल 56 विद्यार्थी एसएसएलसी एग्जाम लिखे थे, जिसमें 35 विद्यार्थियों का अब तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण विद्यार्थी और पोषकों का बुरा हाल है। शिक्षक कह रहे हैं कि हमने बोर्ड को इस बारे में जानकारी दी है, जल्द ही रिजल्ट आएगा। अगर जल्द से जल्द रिजल्ट नहीं आया और कोई भी विद्यार्थी कुछ अनहोनी कर लेगा तो एसएसएलसी बोर्ड ही इसका जिम्मेदार होगा, कह रहे हैं पोषक। चिंतामणि में शौचालय निर्माण में घपला, छानबीन करने पहुंचे लोकायुक्त। चिंतामणि तालुका के मिट्टलहल्ली ग्राम में शौचालय बनाते वक्त लाखों रुपयों की हेराफेरी को लेकर गांव के शिवन्ना नामक व्यक्ति ने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके चलते आज लोकायुक्त की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर चंद्रप्पा खबर लेने पहुंचे। चंद्रप्पा ने सारे शौचालयों का परीक्षण किया और लोगों से जानकारी जुटाकर पंचनामा किया। अपनी तफसील रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपने की बात कही चंद्रप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।